नमस्कार, मैं डॉक्टर साधना श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से, उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि पत्रकारिता एवं जनसंचार की इंट्रोडक्टरी क्लास है। प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, बहुत खुशी है जिस स्तर से आपने सवाल पूछे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मुझसे मिलने के लिए भी आए कि इसे और इस क्लास को आपकी डिमांड थी कि थोड़ा और डिटेल से बताया जाए, और जो बाकी के सेमेस्टर्स के पेपर हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे वादा किया था कि जैसे जैसे आपके सवाल होंगे वैसे वैसे हमारे जवाब होंगे, और उन्हीं के आधार पर हमारी आगे की जो भी क्लासेस होंगी वो तैयार होंगी। तो इस बार जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमारे पास जो क्लासेस थी उसमें मैंने आपको पूरा बताया कि जो जुलाई से हम लोगों ने नया कोर्स जुलाई 2023 से एनएपी के हिसाब से शुरू किया है, उसमें आपके कितने सेमेस्टर्स हैं और किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स देने हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था। लेकिन आप विद्यार्थियों की एक डिमांड थी कि हम आपको पर्टिकुलर एक एक पेपर के बारे में विस्तार से बताएं और सारी चीज़ें बताएं। उस श्रृंखला में मैंने आपको पिछले क्लास में, आप देख सकते हैं जो कि इंट्रोडक्टरी क्लास के नाम से पड़ी हुई है यूट्यूब की हमारी प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने पेपर 101, ये जो आपका जनसंचार एवं पत्रकारिता स्वरूप एवं सिद्धांत था, इसके बारे में बताया था। और इसके साथ ही मैंने एक दूसरे पेपर के बारे में भी चर्चा कर ली थी जो कि आपका था समाचार संकलन, लेखन और संपादन से जुड़ा हुआ। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करूंगी आपसे पेपर 3 के बारे में, जो कि हमारा जन माध्यमों के लिए लेखन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माध्यम कोई भी हो या मीडिया का कोई भी चेहरा हो, किसी भी प्रकार से आप बात कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है आपका ये लेखन। जो आप लिख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है जब हम लेखन की बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं जैसे कि हमारा 103 जो हमने पेपर को काफ़ी विस्तार से लेखन के बारे में बताया गया है, इसमें आपको किसी भी जन माध्यम के लिए कैसे लेखन करते हैं और लेखन यानी कि राइटिंग के क्या क्या बेसिक स्किल्स होते हैं, इस पेपर में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले यूनिट में हमने प्रिंट मीडिया के बारे में बताया है, दूसरे यूनिट में हमने आपको पूरी जो आप फ्रीलांसिंग या जो तरह तरह से अलग अलग जगहों पे कैसे कर सकते हैं, संस्थागत ना होकर आप कहीं से बैठे बैठे लेख आर्टिकल लिख के अपनी आमदनी भी कर सकते हैं, अपने शौक को भी पूरा कर सकते हैं, साथ में अपने ज्ञान से दुनिया को भी रूबरू करा सकते हैं। रेडियो लेखन के लिए हमने एक अलग से पूरी यूनिट तैयार की है जिसमें आपको हमने डिटेल से बताया है कि रेडियो के लिए कैसे समाचार हम कलेक्ट करेंगे, कैसे हम समाचार बनाएंगे और किन बारीकियों के बारे में बात करेंगे। इसी पेपर में आपको टेलीविज़न और फिल्म पत्रकारिता के बारे में भी बेसिक और बुनियादी बातें बताई जाएंगी। तो ये पूरा पेपर आपका एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पेपर है जो कि आपको आधारभूत सिद्धांतों के साथ साथ में ये भी बताएगा कि किस माध्यम में किस तरह से लिखा जाता है। ये पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पेपर के साथ में ही जब हम अगले पेपर की बात करते हैं तो फिर आपको अगला पेपर जो है इसका पढ़ाने को मिलता है। लेखन के बाद हमारा, जैसे कि आप जान रहे हैं, हमारा विश्वविद्यालय का प्रमुख रुझान हिंदी पत्रकारिता या हिंदी विषय की ओर है। हमारे जिन विश्वविद्यालय का जिनके ऊपर नाम पड़ा हुआ है, पुरुषोत्तम दास राशि महर्षि टंडन जी का, उन्होंने भी हिंदी को काफ़ी प्रबलता के साथ दिया, और हमारा ये पूरा स्पेशलाइज्ड पेपर है जो हिंदी पत्रकारिता के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देता है। क्योंकि इस बार हमने जो भी विद्यार्थियों अपना पेपर बनाए हैं वो सारे इस तरह से बनाए हैं कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप किसी भी जगह पर जाके सीधे रोजगार पाने के लिए, या आपको पूरे संपूर्ण नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए, सिर्फ आप किताबें स्तर पे ना रहें, आपको एक प्रैक्टिकल समझ भी बढ़े, इस दृष्टि से इस कोर्स को पूरा नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। हमारा पेपर 104 जो है ये आपको पूरा जो है हमारा पेपर 104 आपको पूरी तरीके से हिंदी पत्रकारिता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देता है। ये जैसे आपको पूरा इसका इतिहास का पक्ष, कैसे कैसे विकास हुआ है, हिंदी पत्रकारिता के क्या स्वरूप हैं, वर्तमान में किस तरीके से हिंदी पत्रकारिता के कहाँ कहाँ पे रोजगार के अवसर हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने इस पेपर के तहत आपको बताई हैं। इसके बाद जो अगला पेपर है आपका, ये फर्स्ट सेमेस्टर तक के कोर्सेज में इतने ही पेपर हैं, 101 से लेके 105 तक, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना है। इसमें 4 पेपर आपके थ्योरी बेस्ड हैं और ये 5वां प्रैक्टिकल जो पेपर है हमने इस आधार पे रखा है कि आपने जो भी पढ़ा और सीखा है उसकी आप प्रैक्टिकल फाइल तैयार करिए, उसके आधार पर जो आपकी समझ है। हमने आपको यहाँ पर 15 टॉपिक दे दिए हैं
क्योंकि ये बहुत सवाल आता है बेटा, इस पेपर को आप सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये आपको कहीं भी रोजगार दिलाने के लिए सबसे सक्षम पेपर होगा। हम सब थ्योरी के रूप में तो जान लेते हैं कि प्रिंट मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, या किस तरीके से खबरें बन रही हैं, लेकिन हम उन खबरों को अंतर करना नहीं जान पाते, हम उन कॉलम्स के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो जैसे समाचार दो कॉलम आपका है, अब आप विद्यार्थियों ये हमसे पूछ सकते हो कि समाचार दो कॉलम क्या होता है। तो अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर आपका आता हो आपके घर में, तो आप देखेंगे ऐसे डिवाइड बने होते, जो भी न्यूज़ है अगर एक और दो दो कॉलम की, तो वो दो कॉलम की न्यूज़ कहलाएगी। अगर उसी न्यूज़ को हमने, ये सारी दो कॉलम की न्यूज़ है, ये बीच में जो एक आप देख रहे हैं ये एक कॉलम की न्यूज़ है, ऐसे ही तीन कॉलम चार कॉलम की न्यूज़ बनती हैं। तो आपको इस पहले असाइनमेंट में, जो आपका पहला असाइनमेंट है, समाचार दो कॉलम की एक न्यूज़ बनानी है, कोई भी काल्पनिक न्यूज़, और तीन कॉलम की दो न्यूज़ बनानी है। इसी तरीके से आगे आपका शब्द दिया है फॉलो अप। अब बच्चों फॉलो अप, तो आप सोचोगे फॉलो अप क्या होता है। फॉलो अप का मतलब होता है कोई भी घटना घट गई, अगर कहीं पे कोई आतंकवादी हमला हुआ, तो आतंकवादी हमला तो आपकी न्यूज़ हो गई, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन क्या बचाव कार्य हुआ, तीसरे दिन उसमें शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए क्या किया गया, यानी उस घटना के पीछे जो जो क्रम हुए वो सारे फॉलो अप में आते हैं। इस तरह से हमने 15 अलग अलग टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, जिनके बारे में आपको विस्तार से और डिटेल से अलग क्लासेस में बताया भी जाएगा। आज सिर्फ एक ये प्रारंभिक क्लास है, क्योंकि आप बच्चों की ये बहुत जिज्ञासा थी कि मैम पेपर नया है, कोर्स नया है, तो हमें सेमेस्टर वाइज आप ये बता दो कि कितने पेपर हमें एक सेमेस्टर में पढ़ने हैं और उनमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि हमारे विद्यार्थियों के पास जो सबसे बड़ी चुनौती है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी है, कम समय में पढ़नी है, और हमारे कोर्स की ये चुनौती है कि जितना हमें थ्योरी या सिद्धांतों पर ध्यान देना है, उतना ही हमें इसके प्रैक्टिकल पक्ष पे ध्यान देना है। क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा कोर्स है बच्चा, ऐसा कोर्स है बेटा, कि आप लोग जब तक उसके बारे में लिखना पढ़ना बोलना नहीं जानोगे, आप अच्छे से सक्षम रूप से इसमें सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इन 15 टॉपिक्स में से आपको जो भी ये 15 टॉपिक दिए गए हैं, 5 टॉपिक पे आपको छोड़ के जो बचे हुए 10 टॉपिक्स हैं, कोई भी आप अपने मन से ले सकते हैं 10 टॉपिक्स, उस पे लिख के एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, और उस फाइल के आधार पे आपको जमा करना है 3 सेट में अपने सेंटर पे। कई बार काउंसलर्स या सेंटर वाले भी परेशान होते हैं कि मैम प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इन्हीं सारी समस्याओं के लिए मैंने एक ये इंट्रोडक्टरी की सेकंड श्रृंखला शुरू की, क्योंकि मेरी पिछली श्रृंखला को आप सभी का बहुत प्यार और स्नेह मिला था, और आपने जानना चाहता कि हमें और विस्तार से बताया जाए। हम सक्षम है, हम कहीं से भी खोज के पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, आप SLM भेज देते हैं, उससे कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो मेन जिज्ञासा है वो ये है कि हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आज की जो क्लास है आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए है। इसके बाद आपकी जो अगली क्लास आती है वो 106 से लेके 110 तक सेकेंड सेमेस्टर के पेपर है। इसमें आपको मीडिया के बारे में बताया जाएगा कि जब तक आप मीडिया और समाज के आपसी संबंध को नहीं समझोगे, देखो हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक समाज के बीच में रहते हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम अकेले ही हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हम एक आम के जीवन में खुश रह लेंगे। हमें कहीं ना कहीं एक पत्रकार के रूप में एक दायित्व भी मिलता है, हम जिस कोर्स को कर रहे हैं वो कोर्स नहीं, एक जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर कि हम कैसे देश को आगे ले जाएं, कैसे हम समाज में कुछ अच्छा करें। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये बेटा पेपर ऐसा पेपर है बच्चा, कि आप विद्यार्थियों ये समझो कि इस पेपर में आपको पूरी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूंगी कि पिछले जो 8-10-12 लेक्चर्स पड़े हुए हैं हमारी प्लेलिस्ट पे, वो सब भी आपके कोर्स के लिए उपयोगी हैं। ऐसा नहीं है कि वो पुराने कोर्स से जुड़े हुए हैं तो वो आपके वीडियो लेक्चर्स आपके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि जब बात आती है सामाजिक दायित्व की, तो रिपोर्टर के सामाजिक दायित्व हों, मीडिया के सामाजिक दायित्व हों, या फिर एंकर के सामाजिक दायित्व हों, कहीं ना कहीं उनके तानों मानों में एक जुड़ाव सा होता है कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली होती है समाज के प्रति। निश्चित रूप से उन्हें एक जन उपयोगी और समाज के प्रति उत्तरदायी खबरों को देना चाहिए, और कैसे देना चाहिए इस पर एक मेरा लेक्चर विस्तार से पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कि एक रिपोर्टर के क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम किस समाज से आए, हमारा भारतीय समाज कैसा है, अमेरिकी समाज कैसा है, पश्चिम समाज कैसा है। तो बाकी चीज़ें हम इधर उधर से देख सकते हैं, लेकिन हम जिस समाज से आए, भारतीय समाज की जो भी हमारी ऐतिहासिक स्वरूप रहा है, सामाजिक स्वरूप रहा है, कैसा ताना बाना रहा है, तभी उन खबरों को हम अच्छे से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम उस धाराक्रम में। फिर हमें विश्व से जुड़े मुद्दे, जो करंट अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स के लिए बेटा आप ये चीज़ समझ लो कि ये आपको एक जगह लिखित नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स ऐसा है कि जो भी घट रहा है
वो हमारे लिए कल जो घटना घटी वो आज का समाचार है, अब परसों आपके लिए कोर्स का मैटर हो जाएगा। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की तरह कि ये हमारा इतने लिमिटेड सिलेबस है, हम इतना ही पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्रकारिता के कोर्स में जब तक आप समसामयिक मुद्दों पे नज़र नहीं रखेंगे तब तक एक सफल पत्रकार आप नहीं बन सकते हैं। जब तक आप वैश्वीकरण की अवधारणा को नहीं समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते हैं। इसके बाद डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारी एक यूनिट है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन पे, हमने एक स्पेशल पूरा पार्ट अलग से तैयार किया जिसके बारे में आपको बताया और समझाया जाएगा। फिर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारे लोकल इशूज़ हैं, जो हमारे ग्लोबल इशूज़ हैं, पर्यावरण है, जन माध्यमों का प्रभाव है, महिलाएं हैं, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने विस्तार से चीज़ों पे चर्चा की है। 107 पेपर जो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था कि हमने एकदम नया इंट्रोड्यूस किया है, आप हर जगह पढ़ते हैं, इस पेपर की बहुत आवश्यकता है। प्रेस विधि, हम एक रिपोर्टर होने के नाते हमें ये पता होने चाहिए कि हमारी क्या सीमाएं हैं, हमें संविधान ने क्या क्या शक्तियां दी हैं या नहीं दी हैं। तो 19(1) अभिव्यक्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकारों के तहत, उसके तहत हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, हमारे भारतीय प्रेस कानूनों का कैसे उद्भव हुआ, किस तरीके से हमें प्रिंट में इन कानूनी बातों या लीगल मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को इसमें विस्तार से बताया गया है आपके 107 पेपर में। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी हम आपको एक एक टॉपिक को लेकर डिटेल से एलोबरेट करेंगे। हमारे सहयोगी साथियों के भी इस तरीके से वीडियो आते रहते हैं। आपको ये करना है बस बच्चों कि आपको जो भी विषय ना समझ में आए या आप चाह रहे हैं कि हमें इस पर ही वीडियो चाहिए, आप वो बता दीजिए, उस पर आपको आगे वीडियो मिलेंगे। प्रेस लॉ की बुनियादी बातें हैं, ये आप कहीं से भी पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं, आपको जिज्ञासा होनी चाहिए और इन चीज़ों का समाधान आपको मिलेगा। हमारा अगला पेपर जो है पब्लिक रिलेशन जनसंपर्क से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने पूरी आपको पब्लिक रिलेशन स्किल्स की थ्योरेटिकल बातों के साथ साथ एक जनसंपर्क अधिकारी के क्या गुण होते हैं, कैसे आपको इसमें करियर मिल सकता है, इन सारी चर्चाएं की हैं। कैसे एक हम कोई पब्लिक कैंपियन, आपने बहुत नाम सुना होगा कि जनसंपर्क अभियान चल रहा है, तो कैसे अभियान चलाते हैं, कैसे एक मुद्दे को हम वैश्विक स्तर तक पहुंचा देते हैं, कैसे हम अपनी बात को जनता तक रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस यूनिट में पढ़ाई गई हैं। फिर हमने थोड़ा इसका थ्योरेटिकल पार्ट को भी इस पेपर में रखा है। इसके बाद हमारा जो अगला पेपर आता है मीडिया शोध का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई विश्वविद्यालयों में इसे बाद में पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने ये पेपर सेकेंड सेमेस्टर में ही रख दिया है आपको, क्योंकि रिसर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग भी एमए करके आगे शोध में जाना चाहते हैं या रिसर्च एजेंसीज में जाना चाहते हैं, कभी कभी एग्जिट पोल या न्यूज़ चैनल्स में भी रिसर्च विंग बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के अच्छे से शोध नहीं करेंगे, गहन जांच पड़ताल नहीं करेंगे, तब तक हम उसको अच्छे से कर नहीं सकते। तो इस पेपर में आपको पूरा शोध के बारे में बताया गया है। इसके बाद 10वां पेपर, जैसा कि मैंने कहा था कि हर सेमेस्टर में एक पेपर आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा कि आपने जो भी पढ़ा है उसको आप कैसे कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए एक पेपर आपका होगा। ये भी आपका जो 10वां पेपर है सेकंड सेमेस्टर में है आपका, इसमें आपको 3 में से 1 किसी असाइनमेंट पे पूरा लिख के पूरी फाइल बना के आपको अपने उस पर जमा करनी है। पहली चीज़ क्या है, अगर आपके एरिया में कोई भी गैर सरकारी संगठन चल रहा हो या आप किसी संस्थान में जॉब करते हो या नहीं भी करते हो, कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट की आप रिपोर्ट बना के जमा कर सकते हैं। अगर आप एनजीओ पे काम कर रहे हैं तो उसका परिचय क्या है एनजीओ, उसकी संरचना कैसी है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसका कार्य विवरण कैसा, वो किस तरीके से सोसाइटी में समाज के लिए काम कर रहा है, उस सब की समीक्षा और डिटेल विवरण करके आपको रिपोर्ट जमा करनी होगी। या फिर अगर किसी आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को जैसे जी सोनी या कोई आपका डैन कौसी जैसे बनारस में चलता है, प्रयागराज के भी कई लोकल चैनल्स हैं, वो रेडियो का भी हो सकता है, टेलीविज़न का भी हो सकता है, वेब का भी हो सकता है, कोई भी एक न्यूज़ चैनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन जिसका डिटेल से आपको परिचय, संगठनात्मक ढांचा, कार्यप्रणाली और उसके बारे में पूरे आपको डिटेल से रिपोर्ट देनी है। या फिर आपको अगर किसी जगह इंटर्नशिप करनी हो तो आप कहीं पे इंटर्नशिप करके उसका भी 15 दिनों के ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो ये आपका कोर्स जो है, ये पेपर आपका पूरा पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, पूरा पूरा फील्ड बेस्ड एक्टिविटी पे आधारित है और इसमें आपको च्वाइस भी दी गई है कि आप ए बी सी या इन तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी की फाइल बना के जमा कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके 2 सेमेस्टर का कोर्स पूरा हो जाएगा। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी, पेपर 101 से लेके 105 तक पहले सेमेस्टर में है, पेपर 106 से लेके 110 तक दूसरे सेमेस्टर में है। तीसरे सेमेस्टर की शुरुआत करते हुए मैं एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जब एक करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही थी, बहुत पुराना वीडियो होगा आप देखेंगे, मिल जाएगा प्लेलिस्ट पे, तो मैंने एक क्षेत्र आपको बताया था, आप सब भी जानते हैं, विज्ञापन।
आजकल विज्ञापनों में भी बहुत जॉब है। ऐसा नहीं कि हम ये कोर्स करके सिर्फ टीवी एंकर बन सकते हैं, न्यूज़ एंकर बन सकते हैं या रिपोर्टर बन सकते हैं। हमारे पास एक पूरी अलग से विज्ञापन के लिए है, और कई जगहों पे तो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के अलग से क्लासेस भी चल रही है और स्पेशल चल रही है। तो ये पूरी चीज़ें आपको विज्ञापन कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इस पेपर में पूरा आपको विज्ञापन के बारे में बताया जाएगा। जनसंपर्क आपने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा है और थर्ड में भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सेमेस्टर में जो आपने पेपर्स पढ़े थे वो थ्योरी एस्पेक्ट्स पे थे, उसके प्रैक्टिकल या सैद्धांतिक एस्पेक्ट्स को लेके कैसे वर्क हो रहा है, कैसे इन चीज़ों के काम कर रहे हैं, किन किन विविध आयामों के तहत जनसंपर्क कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पेपर 112 में की हुई हैं। 112 के बाद जो पेपर आपका 113 आ रहा है वो आता है फिल्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। जब भी हम मास कम्युनिकेशन के कोर्स की बात करते हैं, पत्रकारिता एवं जनसंचार के कोर्स की बात करते हैं, और उसमें हम अगर फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात ना करें तो पेपर में कुछ अधूरी अधूरी सी बात लगेगी। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने प्रिंट मीडिया के या न्यूज़ समाचार पत्रों पे बहुत विस्तार से वर्णन किया था। थर्ड सेमेस्टर आते आते हमने आपको फिल्म के बारे में भी एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर ये डाल दिया, जिससे आप ये समझ सकें कि भारत में फिल्मों का क्या इतिहास है। क्या पता हमारे यहाँ फिर कोई एक आस्कर आ जाए इस्माइल पिंकी की तरह, या कोई और ऐसी आप शॉर्ट फिल्म बना लें, कुछ आप चीज़ें कर लें। रेडियो, फिल्म, टीवी, इन तीनों को इसमें हमने इस पार्ट से समझाने और बताने की कोशिश की है कि आपको एक समूची पूरी दृष्टि मिल जाए, एक समग्र दृष्टिकोण मिल जाए, और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समझ सकें। फोटोग्राफी का पेपर भी हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया है एमए के सिलेबस में एनएपी के तहत, जिसमें आपको फोटोग्राफी के पूरा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया और समझाया जाएगा। इससे संबंधित कई मॉक कोर्स भी हैं जिसको रेफर भी किया गया है आपके सिलेबस के तहत, या कई सारे प्रैक्टिकल की और भी चीज़ें हैं। इसके लिए आप जब भी चाहें, कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है, आप कभी भी व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। ये पेपर आपको पूरा फोटोग्राफी के बुनियादी तत्व के बारे में बताएगा। इस पेपर में अगर आपको मैं बताऊं, जो प्रैक्टिकल मैंने कहा था कि हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल पेपर है, तो आपको एमए में जो भी शोध करनी है भविष्य में, उससे संबंधित एक आपको जो 120 का शोध का पेपर, एक क्वेश्चनायर या शेड्यूल आप बनाते हैं। और जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पार्ट में पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर के नवे पेपर में, कि शोध क्या होती है। अब शोध करने के लिए हमें जो प्रश्नावली बनानी होती है, जो इंटरव्यू शेड्यूल बनाना होता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है, इस सारी बातों की जानकारी देने के साथ साथ इस पेपर में आपको एक बनानी है अपनी शेड्यूल, या आप इंटरव्यू शेड्यूल बना सकते हैं, या क्वेश्चनायर बना सकते हैं, या जो भी आप बनाना चाहें इससे रिलेटेड, जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उससे संबंधित आपको इस पे पूरा काम करना होगा। 111 से लेकर 115 तक आपका थर्ड सेमेस्टर का कोर्स कम्प्लीट होता है, और इसके साथ आप आ जाते हैं एमए के फोर्थ सेमेस्टर में, जो कि आपका आखिरी सेमेस्टर है, जिसके बाद आपको सीधे डिग्री मिलेगी। इसमें आपको जो पेपर्स पढ़ने हैं उसमें विकास संचार का पेपर पढ़ना है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का पेपर पढ़ना है, जिसमें हम आपके इसको पहली यूनिट में थ्योरी के बारे में बताएंगे कि कैसे स्वरूप, अर्थ, परिभाषा, सोशल चेंज क्या है, परंपरागत माध्यम उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं। फिर विकास संचार का हम पूरा परिचय देंगे। उसके बाद हम जो है आपको इसके क्षेत्रों के बारे में बताएंगे, कई मुद्दों के बारे में बताएंगे 116 पेपर में। 117 पेपर आपका ह्यूमन राइट्स से जुड़ा, ये भी हमने विश्वविद्यालय में एकदम नए तरीके से लॉन्च किया, जो पहले से चल रहे कोर्सेज से सारी चीज़ों को समग्रता के जोड़ते के साथ, जब हमने देखा कि मानवाधिकार बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हर पत्रकार को पता होना चाहिए, भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए, इसलिए ये पेपर अनिवार्य रूप से इसमें रखा गया। इसमें आप मानवाधिकार से जुड़ी बातों को पढ़े, देखें और समझेंगे। 118 पेपर जो है इसमें आप संस्कृति के बारे में जानेंगे, भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगे, अंतर जो जगह जगह की पश्चिमी अवधारणाएं क्या हैं, विश्व स्तर पे किस तरीके से संस्कृति काम कर रही है, किस तरीके से धार्मिक, राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। 119वां पेपर भी, जैसा कि अब तक आपने सारी चीज़ें पढ़ लें, फिर आपको लग रहा होगा कुछ तो अधूरा है। जमाना सोशल मीडिया का है, जमाना इंटरनेट का है, और वेब पत्रकारिता का है। जमाने के साथ हमें भी चलना है, आगे बढ़ना है, और आपको भी इस तरह की जानकारी देनी है कि आप भी सक्षम हों और चीज़ों के साथ सबल कर सकें। इस वक्त जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो है वेब जर्नलिज्म की, क्योंकि हर पर्सन का एक पर्सनल पीआर स्किल भी होती है, एक उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी ज़रूरत होती है, उसको कैंपेन की भी ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं वेब पे इंटरनेट के एक क्लिक से आप अपनी बात को पूरे दुनिया तक पहुँचा सकते हैं,
और इसलिए ये वेब पत्रकारिता का सिलेबस को आपको लॉन्च किया गया। इसमें आप कैसे व्यक्तिगत लेखन कर सकते हैं, कैसे न्यूज़ बना सकते हैं, क्या पोर्टल क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, साथ में ऑनलाइन जर्नलिज्म कैसे करते हैं हम, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के स्पेशली क्या क्वालिटीज़ होती, कैसे ये अन्य रिपोर्टर्स से भिन्न होता है, उसे किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हमने 119 पेपर में पढ़ाया है। 120 पेपर जैसा मैंने कहा था, इसके लिए आपको अपने टीचरों से संपर्क करना पड़ेगा। आपको सेकंड सेमेस्टर में ही एक मन बना लेना पड़ेगा कि हम थर्ड सेमेस्टर में आके इस तरीके के टॉपिक पे काम करेंगे, और फोर्थ सेमेस्टर आते आते जो हमने क्वेश्चन आया या सर्वे किया उसकी पूरी रिपोर्ट बना के एक लघु शोध प्रबंध आपको जमा करना होगा, जिसकी 3 प्रतियां आप जमा करेंगे, जिसके लिए आपको संबंधित आपके जो भी सुपरवाइजर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करेंगे, अपने टीचरों से कंसल्ट करेंगे, और उस आधार पे आप एक पूरा लघु शोध प्रबंध बना के जमा करेंगे। इसी के साथ मैं आज के इस लेक्चर को समाप्त करना चाहूँगी। साथ में आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है धैर्य से सीखना, पढ़ना और लिखना, ज्ञान और सूचना, साथ में समय का सही आकलन। अर्थात आपको ये कोर्स करने के साथ साथ में आपको खुद भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक पेपर ऐसा है, पूरा पेपर आपका, जिसमें आपके ज्ञान के साथ साथ आपकी बौद्धिक क्षमता को भी बहुत विस्तार मिलेगा, और आप सिर्फ किसी एक किताब पे, एक SLM पे या फिर एक खबर पे नहीं टिक के रह सकते हैं। हर दिन घटनाएँ घटती हैं, हर दिन समाचार बनते हैं, हर दिन खबरें होती हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, हमारा दूसरा पेपर है समाचार संकलन का, तो तीसरा पेपर है जनमाध्यम लेखन का। यानी कि एक पक्ष क्रिएटिव राइटिंग का होता है तो एक पक्ष न्यूज़ राइटिंग का होता है। तो जितना आप इन पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इन पेपर्स में काम करेंगे, उतना आप अच्छा करेंगे। जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत परेशानी महसूस हो, हम और हमारा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए सदैव तत्पर है। आप कभी भी आके, जो भी ऑफिशियल टाइम है या मुख्य परिसर में, आप मुझसे मिल सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। जहाँ पे भी आपको कोई जिज्ञासा हो आपको तत्काल समाधान दिया जाएगा। आप सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद।